हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उपेंद्र सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं अरविंद घोष के बारे में, जिन्हें हम श्री अरविंदो भी कहते हैं। आजकल इनकी बहुत चर्चा है और चर्चा इसलिए है क्योंकि इनकी 150वीं जयंती हम मनाने जा रहे हैं, देश मनाने जा रहा है। तो ज़रूरी है कि हम ये जानें कि आखिर अरविंद घोष ने वे कौन से विचार दिए जिनके कारण हम आज इनको याद कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनके जीवन के बारे में जान जाइए कि ये 15 अगस्त 1872 को, यानी आज़ादी से 75 साल पहले इनका जन्म हुआ था, और आज़ादी के बाद 75 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए हम 150वीं जयंती इनकी मना रहे हैं। और इनका निधन हुआ था 5 दिसंबर 1950 को पांडिचेरी में। जन्म हुआ था कलकत्ता में और निधन हुआ था पांडिचेरी में। और इनका जो योगदान है, विचारों का वैचारिक जो योगदान है, उसके आधार पे रोमारोला ने कहा कि ये भारतीय विचारकों या दार्शनिकों के क्या हैं, सम्राट हैं। विचारकों या दार्शनिकों के सम्राट हैं। तो आइए हम देखते हैं इनके विचारों को। तो पहला जो विचार है उसको हम कहते हैं आध्यात्मिक नियतिवाद, आध्यात्मिक नियतिवाद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पिरिचुअल डिटरमिनेशन। इनकी पहली थ्योरी है आध्यात्मिक नियतिवाद। आध्यात्मिक नियतिवाद का मतलब क्या है? नियत होना मतलब फिक्स होना। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा, मार्क्स क्या कहता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वह क्या है, पदार्थ है। पदार्थ को उसने किस रूप में लिया, अर्थव्यवस्था को रूप में लिया, और मानता है कि जो कुछ भी है अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था से ही निर्धारित होता है कि किसी समाज का सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक स्वरूप क्या होगा। लेकिन अरविंद घोष ने कहा, घोष ने ये कहा कि नहीं, पदार्थ नहीं, ईश्वर। और चूंकि ये भारतीय हैं तो ये कहते हैं कि वह क्या है, ब्रह्म है। तो इन्होंने कहा कि ये जो पूरी सृष्टि है वह क्या है, ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मा या ईश्वर। जो मनुष्य है, जो मनुष्य का समाज है, जो मनुष्य के संगठन है, जो राज्य है, और यहाँ तक कि जो विश्व है, यानी व्यक्ति से लेकर के एक आम आदमी से लेकर के विश्व तक, विश्व मानवता तक जो कुछ भी है वह क्या है, वह ईश्वर की अभिव्यक्ति है, ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है। पहली चीज। दूसरी चीज इस आध्यात्मिक नियतवाद का यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर द्वारा निर्धारित है, ईश्वर द्वारा निर्धारित है। यानी इतिहास में जो भी घटनाएं हो रही हैं बाहरी दुनिया में, अरविंद घोष ने कहा कि उसके पीछे एक दैवीय शक्ति है, दैवीय योजना है। ऐसा कुछ नहीं होता जो कि ईश्वर नहीं चाहता। इसका ये मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति हैं या जिनको आप कहते हो कि ये क्या हैं, हमारे हीरोज हैं, उनको ये कहते हैं कि ये व्यक्ति क्या हैं, साधन हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, आप महाभारत में जाइए, और इसकी चर्चा स्वयं अरविंद ने किया है कि जो गीता का उपदेश है वो किस लिए है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं कि अपने भाई बंधुओं को कैसे मारें। तब श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, अपना मुंह खोलते हैं, और अर्जुन ये देखते हैं कि पूरी जो कौरव सेना है वो उनके मुख के अंदर है, उसमें द्रोण भी हैं, उसमें भीष्म भी हैं, उसमें कर्ण भी हैं। और इससे पता चलता है कि नहीं, उनको तो ईश्वर मार रहा है, वो तो ऑलरेडी मरे, उनकी नियत ही यही है, उनको मरना ही मरना है। लेकिन ईश्वर सीधे नहीं मारता, वह अपने किसी व्यक्ति को क्या बनाता है, साधन बनाता है। फिर इसको इन्होंने भारत पर लागू किया। इन्होंने ये कहा
कि जैसे बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, उन्होंने कहा कि यह एक प्रकार से पूर्व निर्धारित है, विल ऑफ गॉड है, ईश्वर की इच्छा है। क्यों इच्छा है? क्योंकि विभाजन होगा, विभाजन से, बंगाल के विभाजन से क्या निकल रहा है? उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद निकल रहा है। यदि बंगाल का विभाजन नहीं होता तो अरविंद कहते हैं कि वह राष्ट्रवाद जो 1905 के बाद जन्म लिया उसका जन्म नहीं हुआ। तो जो कुछ भी है ईश्वर द्वारा निर्धारित है, ईश्वर की योजना के खिलाफ कुछ भी नहीं होता, और वह जो महान व्यक्तित्व हैं उनको अपनी योजना का साधन बनाता है। यानी ईश्वर ही क्या है, इनके अनुसार ईश्वर ही हर चीज का कारण है, वही कार्य है, वही कारण है, वही करता है, हम क्या हैं, निमित्त मात्र है। तो एक सेंटेंस में जैसे मार्क्स ने कहा कि सब कुछ पदार्थ है, पदार्थ द्वारा प्रेरित है, घोष ने कहा, और यह लगभग हीगल की भाषा है जिसमें वो कहते हैं कि जो कुछ भी इस दुनिया में है वह क्या है, वह ईश्वर का, ईश्वर की अभिव्यक्ति है और ईश्वर द्वारा निर्धारित है। तो इसी प्लानिंग में उन्होंने एक दूसरा कंसेप्ट दिया आध्यात्मिक नियतवाद के साथ साथ आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का। तो आइए देखते हैं आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद में अरविंद घोष ने क्या कहा, उन्होंने पहली जो बात कही कि यह जो राष्ट्रवाद है यह क्या है, एक धर्म है, एक रिलीजन है। और जो कहाँ से आता है, उन्होंने कहा कि यह जो धर्म है ईश्वर के घर से आता है। तो व्हाट इज नेशनलिज्म, ये आप पूछेंगे अरविंद घोष से, तो कहेंगे कि नेशनलिज्म इज अ रिलीजन जो किससे जुड़ा हुआ है, जो जुड़ा हुआ है ईश्वर से जुड़ा हुआ है। और चूंकि ईश्वर से जुड़ा हुआ है तो दूसरी चीज ये कहेंगे कि यह मानवीय नहीं है, यह भौतिक भी नहीं है, यह भौतिक या मानवीय नहीं है, यह क्या है, यह ईश्वरी है और यह आध्यात्मिक है। मानवीय की जगह क्या है, ईश्वरी है, क्योंकि ईश्वर से जुड़ा हुआ है, और भौतिक की जगह क्या है, आध्यात्मिक है। और चूंकि यह ईश्वरी और आध्यात्मिक है इसलिए यह कोई अस्थायी टेम्पररी चीज नहीं है। यानी यदि आप किसी राष्ट्र के नागरिक हैं तो अरविंद घोष कहेंगे कि आपके अंदर राष्ट्रवाद होगा ही होगा, और वह यह नहीं है कि क्षणिक है, आज है कल खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं कि यह क्या है, राष्ट्रवाद एक अस्थाई भावना है। और इसी नजरिए से उन्होंने कहा कि यद्यपि इस पर बहुत चर्चा हो रही है कि भारत क्या है, तो उन्होंने कहा कि भारत एक राष्ट्र है, भारत एक नेशन है, यह कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह कोई भूभाग नहीं है, कोई भूखंड नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, कोई विचार नहीं है, यह क्या है, एक राष्ट्र है। और राष्ट्र के रूप में यह क्या है, उन्होंने कहा कि यह एक महाशक्ति है। और इसको महाशक्ति उन्होंने क्यों कहा, जैसे मोदी जी कहते हैं ना 125 करोड़ भारतीयों, तो जो इस राष्ट्र को बना रहे हैं उनकी सारी शक्ति भारत में, भारत के पीछे निहित है। और इसीलिए उन्होंने कहा ये जो हमारी मातृभूमि है यह कोई एक भौगोलिक टुकड़ा नहीं है, उन्होंने कहा कि यह क्या है, यह भारत माता है, भारत माता है। यह जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई विचार नहीं है, यह एक रियलिटी है और एक परमानेंट रियलिटी है। फिर जब यह धर्म है और जब भारत हमारी माता है, तो उन्होंने कहा कि आज की समस्या यह है कि यह जो भारत माता है वह क्या है, वह दास्ता की जंजीरों में है। और जब दास्ता की जंजीरों में है तो अरविंद घोष कहते हैं कि प्रत्येक भारतीय का यह धर्म है, कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वह दास्ता की इन बेड़ियों को खत्म करे, यानी भारत को स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास करे, भारत को स्वतंत्र कराए। यह उसका दायित्व है, अधिकार की बात नहीं है, यह उसका उत्तरदायित्व है। तो तीसरी जो थियरी आती है अरविंद घोष की, वह आती है स्वराज या स्वाधीन का। लेकिन यहाँ आप एक चीज़
समझिए कि जब वे स्वराज की बात करते हैं तो वह स्वायत्तता की बात नहीं करते, ऑटोनॉमी की बात नहीं करते, कि अंग्रेजों के अधीन हमको नहीं रहना है, स्वायत्तता नहीं चाहिए। उन्होंने कहा स्वराज का मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता, इससे कम कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा इससे कम कुछ भी नहीं चाहिए, भारत को अंग्रेजों के अधीन स्वायत्तता नहीं चाहिए, अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, एब्सोल्यूट फ्रीडम जिसको कहते हैं उसको इन्होंने कहा। तीसरी चीज जो इन्होंने कहा कि भारत को स्वतंत्रता क्यों चाहिए, तो इसको इन्होंने कहा कि यह भी क्या है, यह ईश्वर की इच्छा है, यह ईश्वर की इच्छा है कि भारत क्या हो, भारत स्वतंत्र हो। लेकिन यह स्वतंत्रता केवल भारत के हित के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि इस भारत का एक उद्देश्य है, ईश्वर चाहता है कि वह उद्देश्य को भारत पूरा करे, और वह उद्देश्य है क्या, विश्व का आध्यात्मिक उद्धार करना। भारत का एक लक्ष्य है, वह किसी भौतिकवादी लक्ष्य को लेकर के नहीं है, वह आध्यात्मिक उद्धार करना चाहता है, किसका, विश्व का। यानी भारत की स्वतंत्रता भारत के लिए लाभदायक है, जरूरी है, मस्ट है, लेकिन उसके साथ साथ वह विश्व के लिए भी जरूरी है। इसका मतलब यह है कि जब अरविंद घोष राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो यह राष्ट्रवाद, इनका राष्ट्रवाद सीमित नहीं है, सीमित नहीं है। क्यों सीमित नहीं है, इन्होंने ये कहा कि अभी हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता चाहिए, तो यह स्वतंत्रता केवल भारत को नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में किसी भी देश को किसी दूसरे देश के अधीन नहीं रहना चाहिए, और व्यक्ति को भी किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं रहना चाहिए। तो एक ऐसा, उन्होंने कहा, विश्व संघ, वर्ल्ड यूनियन बनेगा जिसमें क्या होंगे, सभी स्वतंत्र होंगे, सभी स्वतंत्र होंगे। यानी एक ऐसा विश्व बने जिसमें सभी स्वतंत्र राज्य हों, कोई किसी के अधीन न हो, कोई किसी के का दास न हो, और उसमें विषमता ना हो, भेदभाव ना हो, सब समान रूप से स्वतंत्र, इक्वल लिबर्टी की जो बात है, इक्वल फ्रीडम का जो बात है, वह उन्होंने इस स्वराज के अंतर्गत कहा। तो उनका राष्ट्रवाद सीमित नहीं था, बल्कि वो कहाँ जाता है, वर्ल्ड यूनियन, विश्व संघ को जाता है। तो ये था स्वराज। अब यह है कि इस स्वराज की प्राप्ति कैसे होगी, तो उन्होंने कहा कि इसका एक साधन है, और उसको इन्होंने कहा निष्क्रिय प्रतिरोध, निष्क्रिय प्रतिरोध। अब यहां भी आपको थोड़ी सी सजग होने की जरूरत है। निष्क्रिय प्रतिरोध, कोई पूछे कि निष्क्रिय प्रतिरोध से मतलब क्या है, तो इन्होंने कहा कि वो सारी चीजें, उन सारे कार्यों को बंद कर देना जिससे कि प्रशासन चलाने में सहायता मिलती है। यानी इनको लगता था कि यदि हम सहायता, दो शब्द इन्होंने कहा, सहायता प्लस मौन स्वीकृति, यदि ये दो शब्द हम क्या करें, अंग्रेजों से हटा लें, यानी हम अंग्रेजों की सहायता ना करें और उनके कार्यों को मौन स्वीकृति ना दें, तो उन्होंने कहा कि यह ऐसा हथियार है जिससे भारत अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को हासिल कर सकता है। तो पहला मतलब क्या हुआ, इसका पहला मतलब यह हुआ कि सहयोग न करना, सहयोग नहीं करना, किसका, अंग्रेजों का। दूसरा इसका मतलब हुआ किस क्षेत्रों में सहयोग नहीं करना, तो इन्होंने कहा कि यहीं से गांधी आते हैं, जो सरकारी स्कूल हैं या जो अंग्रेजों के स्कूल हैं, स्कूल का प्रति उसको छोड़ो, बहिष्कार करो, यहीं से बहिष्कार आता है। उनके जो न्यायालय हैं उनका बहिष्कार करो, उनकी शिक्षा का बहिष्कार करो, और उनके सामान का बहिष्कार करो। यानी उन्होंने कहा कि इसका एक जो निष्क्रिय प्रतिरोध का हथियार है
वह क्या है? बहिष्कार, और दूसरा क्या है? स्वदेशी। क्योंकि जब आप उनके न्यायालय, उनके स्कूल, उनकी शिक्षा पद्धति, उनके सामान छोड़ोगे तो आपको चाहिए ये चीज़ें ना, तो कहाँ से आएंगे? स्वदेशी से आएंगे। यहाँ एजुकेशन की बात समझ लीजिए, उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश एजुकेशन है और ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली है वह भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने वाली है। मैकाले की शिक्षा पद्धति को याद कीजिए। मैकाले क्या चाहता था? मैकाले ये चाहता था कि ऐसे भारतीय पैदा हो जाएं शैक्षिक रूप से जिनके कलर तो इंडियन हो लेकिन उनकी सोच क्या हो? अंग्रेजियत हो। और वह अपने कार्य में बहुत सफल हुआ। इसी कारण आज भी अंग्रेजी बोलने वालों को आप श्रेष्ठ मानते हो, हिंदी बोलने वालों को आपको लगता है कि इसको कुछ मालूम नहीं है। तो ये स्वदेशी। लेकिन इसके साथ साथ क्या करना होगा? उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा, जागरूक करना होगा जनता को। किस बात के लिए? स्वराज के लिए, स्वदेशी के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए और बहिष्कार के लिए। और एक चीज़ और कि गांधी भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन गांधी के साथ ये था कि गांधी ने ये कहा कि हिंसा किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए। अरविंद के निष्क्रिय प्रतिरोध में ये है कि नहीं, इसमें हिंसा और आक्रामक व्यवहार सम्मिलित है। क्यों? क्योंकि आत्मसुरक्षा प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। यदि हम विरोध करेंगे, शांतिपूर्ण विरोध करेंगे, लेकिन यदि आप मेरे ऊपर बल प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मैं उसका प्रतिकार करूंगा। यानी अरविंद घोष हिंसा को पूरी तरीके से खारिज नहीं करते। तो यह एक बेसिक अंतर है गांधी और इनके प्रतिरोध में। तीसरी पांचवी बात यह कि इन्होंने, ये जो इनका स्वराज का कंसेप्ट था, जो निष्क्रिय प्रतिरोध का कंसेप्ट था, यह कांग्रेस की पॉलिसी से पूरी तरीके से अलग था। इसलिए इन्होंने कांग्रेस की भी आलोचना की और अंग्रेजों की भी आलोचना की। तो उसको भी हम देख लेते हैं। अरविंद घोष कांग्रेस का विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं। क्यों? इसलिए पहली चीज तो ये कि उनको लगता था कि यह जो कांग्रेस है वह स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रही है। किसकी मांग कर रही है? सुविधा की मांग कर रही है। अरविंद घोष के अनुसार एब्सोल्यूट फ्रीडम हमको चाहिए अंग्रेजों से। लेकिन उस समय जो कांग्रेस थी वह क्या चाहती थी? कुछ सुविधाएं चाहती थी। इसलिए उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की कि कांग्रेस का जो उद्देश्य है वह साफ नहीं है कि वह स्वतंत्रता चाहते हैं, स्वराज चाहते हैं या सुविधा चाहते हैं। लेकिन उनको लगता था कि कांग्रेस सुविधा के लिए काम करिए। दूसरी चीज जो इनके साधन थे उसको कहते थे कि अपर्याप्त हैं। अपर्याप्त किस संदर्भ में? कि जो पेटीशन देने की बात थी, डेलीगेशन ले जाने की बात थी, यानी कांग्रेस क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है, निवेदन कर रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो स्वराज चाहिए, हमें जो स्वतंत्रता चाहिए, तो वह दया और कृपा से नहीं चाहिए। हमें अंग्रेजों की दया कृपा नहीं चाहिए, हमें आत्मसम्मान होना चाहिए। कांग्रेस की जो पॉलिसी है प्रेयर करने की, पेटिशन देने की, रिक्वेस्ट करने की, सुविधाएं मांगने की, उनको लगता था कि इसमें क्या, इसमें आत्मसम्मान नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है। भारत को क्या चाहिए? आत्मसम्मान चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, कृपा से हमें आज़ादी नहीं चाहिए। तो इन्होंने कांग्रेस का विरोध किया। छठी चीज आप कह सकते हैं कि इन्होंने अंग्रेजों का भी विरोध किया। अंग्रेजों का विरोध, ये बड़ी स्वाभाविक चीज है। जो आदमी कांग्रेस का विरोध कर रहा है वो अंग्रेजों का विरोध करेगा ही करेगा, क्योंकि शुरुआती दौर में जो कांग्रेस थी उसका जो मांग था वो सुविधाओं तक सीमित था। ये जो लिबरल थे, उदारवादी थे, उदारवादी, ये इनके खिलाफ थे। और ये जो बाल लाल पाल का गुट था, उग्रवादी, ये इनके समर्थक थे। तो अंग्रेजों का ये विरोध क्यों करते थे?
उदारवादियों ने अंग्रेजों को क्या कहा? अंग्रेजों को ये मानते थे कि अंग्रेज क्या हैं, अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनकी शिक्षा, लोग कहते थे ना कि इतनी न्यायपूर्ण कोई प्रजाति अंग्रेजों जैसी है ही नहीं, ये असाधारण लोग हैं। अरविंद ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ये साधारण मनुष्य हैं। हुआ क्या कि इनको असाधारण परिस्थितियां मिल गई। असाधारण लोग हैं अंग्रेज, लेकिन इनको असाधारण परिस्थितियां मिल गई। असाधारण परिस्थितियां क्या थी? उन्होंने कहा कि ये तो संकीर्ण हृदय वाले व्यापारी थे, ये व्यापार करने के लिए आए, लेकिन वे यहाँ के शासक बन गए। व्यापारी होना कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई गौरव की चीज नहीं है। तो उन्होंने कहा ये सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य मनुष्य हैं, बल्कि उन्होंने मनुष्य भी नहीं कहा कि ये सामान्य अंग्रेज हैं, ये कोई महान लोग नहीं है। और इन्होंने क्या किया, भारत के शरीर और आत्मा दोनों को इन्होंने चोटिल किया है। इसलिए भारत और भारतीयों को क्या चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन वह मांग कर नहीं, दया और कृपा से नहीं, लड़कर संघर्ष करके आत्मसम्मान के साथ। तो ये था श्री अरविंद घोष का राजनीतिक विचार। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।